हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। आज हम अपना 10th क्लास का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी नॉलेज देंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये टॉपिक हमने 9th क्लास में किया पॉलीनोमियल का। जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पे डिग्री कितनी आ गई? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, तो यहां पे डिग्री 2 आ गई, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ऐसे जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। जहां पे हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो डिग्री कितनी आएगी? 2। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जब हम पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? इक्वेशन मींस इक्वल टू 0, इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ fx इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी वो क्या है? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास 0 आ गया तो वो क्या बन जाएगा? देखिए ये तो 0 ही बन गया। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसे हमारे पास कंडीशन क्या है? ए हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉलीनोमियल के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होती है। पहले ध्यान से समझिए, पॉलीनोमियल के लिए हमारे पास 3 मेन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है हमारे पास? जो पॉलीनोमियल है उसमें किसी भी वेरिएबल की पावर हमारे पास नेगेटिव भी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, अगर पॉलीनोमियल हमारे पास, यहाँ पे पॉलीनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर हमारे पास नेगेटिव भी होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव आ गई तो वो हमारे पास पॉलीनोमियल नहीं होगा। सेकंड चीज क्या है हमारे पास? पॉलीनोमियल में हमारे पास जो वेरिएबल आते हैं वो कभी भी अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की बात कर रहा हूँ ओनली, जैसे रूट एक्स एंड रूट वाई, ये अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर अंडर रूट में आ गए तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? अब देखिए हमारा थर्ड सम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर क्या ले लिया? एलसीएम। तो ये क्या बन गया हमारे पास? यहाँ पे लिखिए 1 था, एक्स इज टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया? एक्स की एक्स इज टू पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 एक्स स्क्वायर। जब मैं 5 एक्स स्क्वायर पे इधर ले आया तो किस चीज का बन गया? माइनस का। एक्स इज टू पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास क्या बन गया? ये पॉलीनोमियल तो है बट क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी डिग्री कितनी है? 4। सो इट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो हम क्या किया, हमें पूछा क्या था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्या बन गई? बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गई। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ पे डिग्री 2 होती तो ये बन जाती हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिग्री कितनी आ गई? 4 आ गई। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया? एक्स एलसीएम ले लिया, क्या बन गया? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3। जब मैंने एक्स को मल्टीप्लाई तो क्या बन गया? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स क्यूब। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गई? 0 इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ट्रांसफर कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ये क्या बन गया? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब देखिए क्या डिग्री कितनी आ गई? 3। ये बन गई क्यूबिक पॉलीनोमियल। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे देखिए हमारा नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंडरूट x माइनस 5। अब यहाँ पे फोकस करिए, अंडरूट में क्या आ गया? वेरिएबल आ गया x। इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल। मैंने पहले कहा था अंडरूट में वेरिएबल आ जाए तो पॉलीनोमियल नहीं होता। तो क्या बन गया हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस अंडरूट x माइनस 5 इज नॉट अ पॉलीनोमियल। अब ये पॉलीनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से बनेगा? अगर पॉलीनोमियल होता तो हम चेक करते ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलीनोमियल, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट सम 2x प्लस 1 3x plus 2, 6 into x minus 1, x minus 2। इस सम्स को ऐसे नहीं जजमेंट करना, पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखना है इसकी डिग्री कितनी आ रही है। प्रॉपर सॉल्विंग के बाद हम जजमेंट करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। सबसे पहले हमें की मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई बाय 3x plus 2 plus 1 मल्टीप्लाई बाय 3x plus 2। ऐसे राइट हैंड साइड पे 6 x मल्टीप्लाई बाय x minus 2 minus 1 मल्टीप्लाई बाय x minus 2। मेरे पास क्या आ गया? 2 3 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x प्लस 3 x प्लस 1 2 जा 2। ऐसे राइट हैंड साइड पे 6 बार तक क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए मेरा सेकंड सम
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, देखिए 7x² + kx - 3 = 0, x = 2/3 क्या है, इस इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमें लिख दिया वही है 7x² + kx - 3 = 0, x = 2/3 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अगर इसका सॉल्यूशन है तो वैल्यू पुट करके आंसर क्या आएगा, 0। हमें क्या किया, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2/3 को पुट कर दिया, 7 2/3² + k x की जगह पे 2/3 - 3 = 0। एक बात का ध्यान रखना है, हमने सिर्फ x की जगह पे पुट करना है, अगर हमारे पास कोई और वेरिएबल है वहां पे पुट नहीं करना, ओनली x की जगह पे जो वैल्यू दी है उसे पुट करना है। तो क्या बन गया, 7 × 2² + 3² + 9 + 2k/3 - 3 = 0, हमारे पास आ गया 7 × 4 = 28 + 2k/3 - 3 = 0। अब हमने क्या किया, 9 और 3 का एलिया एलसीएम कितना आ गया, 9 28 प्लस 3 3 = 9 3 2 = 6 माइनस 1 9 = 9 9 3 = 27 = 0 28 माइनस 27 क्या बन गया, 1 प्लस 6k इक्वल टू 0 इंटू 9 क्या बन गया हमारे पास, 0। 1 प्लस 6k इक्वल टू 0 वैल्यू क्या आ गई, 6k इक्वल टू माइनस 1, k की वैल्यू आ गई माइनस 1.6। अब देखिए हमारा सेकंड सम x² माइनस x इंटू a प्लस b प्लस k इक्वल टू 0, x इक्वल टू a क्या है इसका सोल्यूशन। हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस x इंटू a प्लस b प्लस k इक्वल टू 0, x इक्वल टू a इज ए सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन है तो हम x की जगह पे क्या कर देंगे, a को पुट कर देंगे, किया a² माइनस a इंटू a प्लस b। एक बात का ध्यान रखना है, ओनली x की जगह पे जो सोल्यूशन दिया है वो पुट करना है, प्लस k इक्वल टू 0, इस बात का खास ध्यान रखना। तो क्या बन गया, a² माइनस a इंटू a² प्लस माइनस 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 ए बी प्लस k इक्वल टू 0, a² प्लस का एक माइनस का कट हो गया, माइनस ए बी प्लस k इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 माइनस का था प्लस के इक्वल टू ए बी माइनस आंसर। अब देखिए हमारे पास थर्ड सम ax² प्लस अंडरूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू अंडरूट 2 इज ए सॉल्यूशन। तो क्या बन गया हमारे पास, x इक्वल टू अंडरूट 2 क्या इसका सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे प्लेस कर देंगे अंडरूट 2 को, तो क्या बन गया, k इंटू अंडरूट 2² प्लस अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 k इंटू। अब देखिए अंडरूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, जब मैंने अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, 2 k इंटू 2 प्लस अंडरूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडरूट 2 2 माइनस 4 इक्वल टू 0 क्या बन गया, 2k 2। अब देखिए मेरा सर्च डिटरमाइन इफ x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन गिवन टू, हमें चेक करना है क्या 3 इसका रूट है और नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एरे 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे फिर राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो इक्वेशन का रूट होता है, अदरवाइज नो। सबसे पहले क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड खाली, तो क्या है अंडरूट x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस x² माइनस 9, हमने क्या किया x को 3 पुट कर दिया, जब 3 पुट किया क्या बन गया अंडरूट 3² माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 प्लस अंडरूट 3² माइनस 9, क्या किया हमने जहां जहां पे x था वहां वहां पे हमने 3 पुट कर दिया, तो क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 3 = 12 प्लस 3 प्लस अंडरूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, तो क्या बन गया 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 9 क्या बन गया 0, अंडरूट 0 प्लस 0 क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व, क्या है अंडरूट 4x² माइनस 14x प्लस 16, यहाँ पे हमने क्या किया x को 3 पुट कर दिया, क्या बन गया अंडरूट 4 3² माइनस 14 इंटू 3 प्लस 16 4, अंडरूट 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस 14 3 = 42 प्लस 16, ये बन गया 9 4 = 36 माइनस 42 प्लस 16 36 प्लस 16 क्या बन गया 52 माइनस 42 ये आ गया अंडरूट 10। अब देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आई थी हमारे पास सोल्व करके 0, राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास सोल्व करके अंडरूट 10, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि इधर 0 है, इधर क्या आ गया अंडरूट 10। तो हमारे पास क्या कहेंगे, अगर एक नॉट इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे x इक्वल टू 3 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर ये इक्वल आया था तो हम कहते हैं x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हैव यू क्लियर दिस कांसेप्ट, अब हम चलते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, हमने चेक करना है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने चेक करना है x इक्वल टू 2 और माइनस 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म पहले 2 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में फिर करेंगे माइनस 1 को पुट, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नो। फर्स्ट सवाल हम पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या हमारे पास x² माइनस 3x प्लस 2, हमने क्या किया x को 2 पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या आ गया 2² माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, तो क्या बन गया हमारे पास माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या आ गया x इक्वल टू 4 का सेकंड पार्ट x² माइनस 3√3x + 6 = 0,
x इक्वल टू अंडर 3 x इक्वल टू माइनस 2 अंडर 3 अपने चेक करना है क्या ये इसके सॉल्यूशन है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन क्या आ गई x स्क्वायर माइनस 3 अंडर 3 x प्लस 6 हमने पुट कर दिया x को अंडर 3 जब x को अंडर 3 पुट किया तो क्या बन गया अंडर 3 स्क्वायर माइनस 3 अंडर 3 इनटू x की जगह पे अंडर 3 प्लस 6 अंडर 3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 माइनस 3 इनटू अंडर 3 को अंडर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 6 3 माइनस 9 प्लस 6 क्या आ गया माइनस 6 प्लस 6 क्या बन गया 0 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो क्या हो गया x इक्वल टू अंडर 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस अंडर 3 x प्लस 6 इक्वल टू 0 अब हम पुट करते हैं x को माइनस 2 अंडर 3 जब पुट किया तो क्या बन गया x की जगह पे हमने पुट कर दिया माइनस 2 अंडर 3 माइनस 2 अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर 3 इनटू माइनस 2 अंडर 3 प्लस 6 तो माइनस 2 अंडर 3 का स्क्वायर क्या बनेगा माइनस 2 अंडर 3 इनटू माइनस 2 अंडर 3 माइनस से माइनस कर 2 2 जार 4 इनटू 3 क्या बन गया 12 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6 इनटू 3 18 प्लस 6 क्या बन गया 12 प्लस 18 प्लस 6 क्या आ गया 36 नॉट इक्वल राइट हैंड साइड ये आ गया x इक्वल टू माइनस 2 अंडर 3 नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने चेक करना है a अपॉन b अपॉन b अपॉन a इसका सॉल्यूशन है या नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड पुट की तो क्या आ गया x स्क्वायर इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गया हमें पहले पुट करना है x को a अपॉन b हम चेक कर रहे हैं h की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया a अपॉन b को क्या बन गया a स्क्वायर इनटू a अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस 3ab x की जगह पे a अपॉन b प्लस 2b स्क्वायर a स्क्वायर a अपॉन b का स्क्वायर क्या बन गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 3 जब a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर अब देखिए b से b कट हो गया मल्टीप्लाई में था प्लस 2b स्क्वायर अब देखिए यहां पे क्या आ गया a रेज टू पावर 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा मैंने सीधा लिख दिया नॉट इक्वल राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा तो क्या आ गया x इक्वल टू a अपॉन b इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अब हम चेक करते हैं b अपॉन a जब b अपॉन a को चेक किया तो क्या बन गया a स्क्वायर x की जगह पुट कर दिया b अपॉन a स्क्वायर माइनस 3ab b अपॉन a प्लस 2b स्क्वायर अब देखिए a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 3 a से a कट हो गया b इनटू b बन गया b स्क्वायर प्लस 2